नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जुटी हुई है। निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। इसी बीच बुलंदशहर के जहांगीरबाद वार्ड नंबर 5 के निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रत्याशी धर्मेंद्र ने पहले भी काफी ज्यादा विकास कार्यों को कराया है। एक बार फिर से प्रत्याशी धर्मेंद्र ने जनता के बीच जाकर उनका जनाधार मांगा है। इसी के साथ प्राइम टीवी के संवाददाता से भी प्रत्याशी धर्मेंद्र ने खास बातचीत की। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार भैया, होटल वाले के नाम से जाना जाता हूँ। और 2017 में 17 वोट में मेरी पत्नी श्रीमती मीना देवी, हमने वार्ड नंबर 5 लोधान शहर से निर्दलीय प्रत्याशी विजय पाई। अनेकों साथी रहे सभासद भाई, जिनका कार्य नहीं हो पाए उन कार्यों करने में हमने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। और आगामी अब जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, स्वयं लड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले महिला सीट थी हमारी प्रतिद्वंदी। अब के सभी वार्डवासियों का ये था कि धन्य भैया इस बार आप ही जाओ, क्योंकि नगर पालिका में बहुत कुश्ती लड़नी पड़ती है, जब उसके बाद में विकास कार्य कराने पड़ते हैं। पूर्व में कुछ जो कमियाँ रह गई हैं उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। और आगामी समाज के हित में, जनता के हित में लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे विकास का मुद्दा हो, पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो। और आए हुए सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मेरी माता, सभी मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग भाई साथी जो मुझे प्यार देने के लिए आए हैं, इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दृढ़ रहूँगा। धन्नो भैया, धन्नो भैया, धन्नो भैया, धन्नो भैया। सब प्रथम मुद्दा हमारा जो होगा वो स्वच्छता होगा, उसको छोड़कर रह गई है। क्योंकि पूर्व में 2 साल हमारी कोरोना काल में चली है, विकास कार्य नहीं हो पाए। उससे बाद में जो लाइट है हमारी, लाइट मांगूंगा, हर गली को चमकाना काम किया जाएगा, सफाई व्यवस्था हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो तो बहुत जोर शोर से उठाऊँगा। अभी कुछ नालियाँ रह गई हैं, कुछ सड़कें रह गई हैं, कुछ पुलियाँ रह गई हैं, उन चीज़ों उपेक्षित हुई हैं गलियाँ, उनका खड़ा करने का काम करूँगा। और 2023 से लेकर 28 तक जनता जनार्दन मुझे बड़ा आशीर्वाद के रूप में देने जा रही है। इनका सभी सही इन सभी माता बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता रहूँगा। जय हिंद, जिंदाबाद। और जीतने के बाद उन्होंने बताया कि सड़क है और पानी लाइट है, उनकी भी सुविधा पूरी व्यवस्था की जाएगी और उनका विकास पूरी रूप से किया जाएगा। मैं विशाल का बोलेंगे सर जी। हम वार्ड नंबर 5 में मौजूद हैं, जहां महिला भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर किस प्रत्याशी को चुनने हैं। आपका शुभ नाम। मेरा नाम अंशु है। आप वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी को किसको चुनना चाहती हो, किन मुद्दों के लिए? अब अच्छे से सड़कें बनवाई हैं, नालियां बनवाई हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, बातें भी करते हैं, सभी की सुनते भी हैं। इसीलिए हम फिर से दोबारा से धन्नू भैया को ही चाहेंगे कि इस बार भी हमारे वार्ड के मेंबर यही हों। धन्नू भैया, धर्मेंद्र भैया उप धन्नू भैया को क्यों इस लेकर, पहले भी प्रत्याशी रहे थे, विकास भी कराया था, तो आप दोबारा क्यों इस बात को लेकर चुने? क्यों, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसकी वजह से सभी की सुनते भी हैं, सड़कें बनवाई हैं अच्छे से, सभी के यहाँ पे जाते आते हैं, बातें भी करते हैं, किसी की कोई परेशानी होती है उसको भी सुनते हैं, तो इसकी वजह से हम चाहेंगे दोबारा भी यही हो। ये हमारे साथ महिला थी, इन्होंने अपने विकास को लेकर और कुछ और भी महिलाएं उनसे बात करती हैं। आपका सुनना ना भैया, काम बढ़िया करा है इन्होंने। नाम बता दो। नहीं, मेरा नाम चंद्रवती है। नहीं, आप वार्ड नंबर 5 से अपने धन्नू भैया को चुने, क्यों चुने हो? यह चुनना है कि ये काम बढ़िया कर रहे हैं, सड़क भी बनवानी है, सब काम बढ़िया कर रहे हैं, लाइट वाइट भी लगवानी है इन्होंने। ये हमारे साथ थी महिला, इन्होंने विकास को लेकर काफ़ी खुश है और इन्होंने बताया कि धन्नू भैया ने काफ़ी विकास कराए थे पहले भी और अब के भी
उम्मीद पूरी रखते हुए महिला विकास को लेकर काफ़ी खुश हैं और अभी भी महिला गर्मी भैया के लिए पूरे समर्थन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि धनु भैया को काफ़ी बहुमत से विजय हो सकती है। मैं विशालगढ़ नगर संग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।